पप्पू यादव जी, और चूंकि गठबंधन में पेच फंसा हुआ, सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है, और उसको लेकर क्या कोई रास्ता निकल रहा है, सीधे बात करते हैं पप्पू यादव जी से। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं, रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी। बहुत बहुत होली की मुबारकबाद जी। पप्पू जी, सवाल यह है कि पूर्णिया को लेकर अभी मैं ट्वीट आपका पढ़ रहा था, आपने कहा कि मर जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अभी खबर है कि लालू यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली में आ गए हैं, पूर्णिया में क्या पेच फंस गया है, क्या पूर्णिया को लेकर विलय करने से पहले कांग्रेस से आपकी कोई बातचीत हुई है, क्योंकि बीमा भारती वहां से दावा कर रही है आरजेडी की तरफ से। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि देश परेशान है बीजेपी के करतूत से जी, और मोदी जी परेशान हैं कांग्रेस की विचारधारा और उस परिवार से। कांग्रेस कभी परेशान नहीं होती। एक दूसरी चीज, कांग्रेस को कोई परेशान भी नहीं कर सकता। सत्य कभी भी परेशान नहीं होती और हारती भी नहीं है। जो राहुल गांधी पप्पू जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास आएंगे। अभी देखिए, गठबंधन में पेच फंसा हुआ, इधर बीजेपी ने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है, 111 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और मेरठ से अरुण गोयल को टिकट दिया गया, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया है, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है, और देखिए अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया गया है। ये वो प्रमुख चेहरे हैं, और भी हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन आप देखिए अभी बिहार में गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, लेकिन पांचवी लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है, और इसमें देखिए 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और वापस चलते हैं पप्पू जी के पास। पप्पू जी, देखिए अभी आप महागठबंधन की बात, सीटों का पेच फंसा हुआ, यहाँ पांचवी लिस्ट भी जारी हो गई है। सुन लीजिए ना मेरी बात जी, देश में कौन कितने लिस्ट परेशान कर रही है। बीजेपी के तो जिस पर गुजरात में चुनाव लड़े थे नरेंद्र भाई मोदी जी, वहां से तीन तीन एमपी ने, सिटिंग एमपी ने टिकट वापस कर दिया गुजरात में। 400 पार की बात करते हैं आप, हल्ला करते हैं पांच सीट। मैं तो सीधा कहता हूं कि किसी भी कीमत पे आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि गुजरात जैसी जगहों पर जब बीजेपी के प्रेजेंट एमपी टिकट लौटा रहा हो, तो आप सोचिए कि क्या हालात है। एक, आप जहां तक मेरे हमारे मुद्दे को लेकर के और किसी भी ऐसी बातों को लेकर के कभी भी गठबंधन नहीं टूट सकता जी। दूसरी बात, वार्ता कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में लोग सीट को लेकर के मर्ज नहीं करते हैं, सीट को शेयरिंग गठबंधन होती है, शेयरिंग करते हैं। मर्ज जो है विचारधारा पर होती है जी, मर्ज विश्वास पे होता है। और हम, हमारा जो मर्ज है वह 130 करोड़ जनता, लोकतंत्र, संविधान और देश के सवाल पे, और जो हालात है आज उस हालात को देखते हुए, और जो ट्रस्ट, जो विश्वास राहुल गांधी जी का, जिसको मैं कंप्लीट रूप से एक तपस्वी और त्यागी समझता हूँ, जिसको कोई लोभ लालच नहीं है, उनका विश्वास और आदरणीय हमारी जो लीडर है प्रियंका जी, उनका जो हमारे प्रति स्नेह रहा, जो एक विश्वास रहा, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए जो आइडियोलॉजी विचारधारा वो किसी भी व्यक्ति से ऊपर है, लेकिन जहाँ तक चुनावी राजनीति का सवाल है जी, जब हम लालू यादव जी से आशीर्वाद लेने गए थे, और हम एक दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा था, जब वो पार्टी को कहे थे कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं उनके साथ हूँ, था भी विपक्ष के नेता से लेके आज तक मैं राहुल जी के व्यक्तिगत पारिवारिक हर चीज़ों में साथ रहता हूँ, और वो मेरे दिल से बाहर नहीं है। वो हमें मधेपुरा के लिए चाहते थे कि मधेपुरा लड़ जाए। मैंने उस वक्त भी हाथ जोड़ के कहा था कि एक साल से मैं पूर्णिया में, प्रणाम पूर्णिया के साथ साथ, पूर्णिया मेरी स्वाभाविक पार्टी है, मेरी माँ चुनाव लड़ी थी, कुछ वोट से हारी,
निर्दलीय कांग्रेस के, उसके बाद हम कभी चुनाव नहीं हारे। 8000 के चलते एक बार हमको चुनाव हराया गया, वो भी हमारे लिफाफा छाप के चलते। तो पूर्णिया में कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। पूर्णिया जब जब हम संकट में, हमारा जीवन रहा है, पूर्णिया हमेशा बच्चों की तरह हमें ट्रीट करती है। मैं पूर्णिया की जनता को भगवान की तरह मानता हूँ और भगवान की आस्था के साथ कभी भी हम उस सम्मान के साथ खेल नहीं सकते हैं। जी, इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है कि जो पूर्णिया की जनता, पहले भी हम मधेपुरा में रहे, 6 बार सांसद MLA रहे, सुपौल से मैडम रही, जी, हमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है, लेकिन पूर्णिया की जनता जिस तरीके से उन्होंने हमें बचपन से लेके आज तक स्वीकार किया है, जहां न तो हिंदू मुसलमान है। पप्पू जी, बीमा भारती यहां से दावा कर रहे हैं कि RJD से वो मैदान में उतरेंगी और आप भी दावा कर रहे हैं कि हम यहां से लड़ेंगे, तो ये पेच कैसे सुलझेगा? मेरी तो बात ही नहीं समझ रहा, मेरी तो कोई दावा ही नहीं है भैया। अभी सर ट्वीट जो आपने ट्वीट किया सर, उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा मैं तो। मेरा तो भैया, मेरा तो परिवार है, तो कोई माँ को छोड़ता है जी, कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ता है, मैं क्या बोलूंगा? माँ के बारे में मेरा क्या ट्वीट होगा? और विचारधारा के बारे में मेरा व्यक्तिगत जो मेरी लाइफ है उससे ऊपर ना विचारधारा जी, मेरे लिए पद मैटर नहीं है। बिना पद के तो हम करोना में और पटना बाढ़ में हम सेवा करते रहे जी, हमेशा हर परिस्थितियों में हम लोगों के बीच रहते हैं। पूर्णिया की सीट को लेकर सर, क्या पूर्णिया की सीट को लेकर जो पेच है सर, उसको क्लियर करें। पूर्णिया से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या मधेपुरा लड़ेंगे आप? मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने नेतृत्व पर छोड़ दिया है, नेतृत्व को जो भी फैसला करना होगा। मैं चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, उसमें मेरी, मैं दिल का, देखिए कोई भी आदमी कल चुनाव लड़ने नहीं बोलेगी हमारे नेतृत्व तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन यदि मैंने अपने नेतृत्व से पहले भी, और ये बात सबको पता है कि पूर्णिया लाइफ लाइन है और पूर्णिया से वो 1 सालों से लगातार 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मैं मिला हूँ जी, मैं घर छोड़ दिया, मैं अपने परिवार को छोड़ के 7-7 महीना पूर्णिया रहा, और मैं लालू यादव जी से और तेजस्वी जी से मैंने आग्रह करके कहा कि पूर्णिया से मैं चुनाव लड़ूंगा। और जब मैं यहाँ एक परिवार के बीच में और एक विचारधारा के साथ मेरे पार्टी का विलय हो गया, विलय के बाद 4 दिनों के बाद यदि कोई नई बातें आती हैं तो ये नेतृत्व को देखना है, उसमें ना मैं प्रवक्ता हूँ ना मैं उसके लिए अलाउ किया हुआ कोई। लेकिन सर, आप कह रहे हैं भाई वो मेरा परिवार, पूर्णिया मेरा परिवार है, आपने लालू जी से आग्रह भी किया, इसके बावजूद अगर बीमा भारती आके वहां पे ये दावा करती है कि भाई इस बार मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, इसका मतलब आपकी अनदेखी की जा रही है? भैया कोई आदमी आपसे कोई कह दे कि माँ को छोड़ दीजिए और माँ से कह दे बच्चों को छोड़ दीजिए तो कैसा होता है जी। मैं कंप्लीट रूप से चुनाव के मुद्दे पर पूर्णिया के, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, मैं उस आस्था के साथ हूँ और नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल क्लियर हूँ, लड़ूंगा तो पूर्णिया ही लड़ूंगा। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर अगर पूर्णिया से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। भैया मैंने तो कह तो दिया कि यदि कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है, लड़ूंगा तो पूर्णिया ही लड़ूंगा, कहीं और लड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। लड़ूंगा तो पूर्णिया ही लड़ूंगा, और जब मैं एक बार जिस विचारधारा को और जिस विश्वास के साथ आ गया जी, मेरा विश्वास कंप्लीट रूप से समर्पण है उस आइडियोलॉजी के प्रति और उस लीडर के प्रति। पूर्णिया पूर्णिया मातृभूमि है बस, मैं और मधेपुरा आपकी कर्मभूमि रही है और मधेपुरा में भी आपको उतना ही सम्मान मिलता है, पूरे सीमांचल में आपको सम्मान मिलता है, तो मधेपुरा से अगर आपको मधेपुरा से उम्मीदवारी मिले तो सर उसमें आप जाएंगे वहां पे, वहां से क्या दिक्कत है? मधेपुरा पूर्णिया में मेरा, मधेपुरा मेरा घर है जी जी, सुपौल में मैडम 2 बार रही है और सुपौल मेरा जो लोक गृह क्षेत्र है वो सुपौल है मेरा गाँव, और मधेपुरा मेरा परिवार है। मैं सिंहेश्वर से मिले था, मेरे फादर वहाँ से 2 बार MP में लड़े, मेरी माँ पूर्णिया से, जन्म मेरा पूर्णिया है जी। और मेरा, मुझे लड़ने संघर्ष करने का मरने का जज्बा पूर्णिया ने दिया।
पूर्णिया मेरे साथ कभी भी जात पात नहीं किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी हमको तकलीफ नहीं दी, कभी हमें हराया नहीं, हमेशा बेटे और परिवार के दृष्टि से देखा। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमारे हमें हमारे दिल के टुकड़े को या मुझे मुझसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। ये जज्बात आपके सर ये बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल और है, एक सवाल और है जो मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, सबके मन में एक सवाल था कि आपके जन अधिकार पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, सीमांचल में आपका बहुत अच्छा प्रभाव था, लोग आपको काफी पसंद करते थे, तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आपने कांग्रेस के साथ विलय कर लिया? आप उनको चुनाव के बाद समर्थन भी कर सकते थे, विलय क्यों किया, विलय का फैसला क्यों हुआ आपको? जी मैं विलय तो लालू जी ने भी कहा था, विलय का फैसला एक तो लगातार संघर्ष, दूसरा पटना के बाढ़ कोरोना के बावजूद भी जनता का ये हमेशा कहना गठबंधन से आइए, गठबंधन में जाइए। अच्छा। तो जब मुझे गठबंधन से आइए और जाइए, और जब पटना बाढ़ में उस MLA को लोगों ने वोट दे दिया जो एक बार घर से नहीं निकला जी। और जो कोरोना में 46 लाख लोगों को मार दिया, हम लाश उठाए और तब लोगों ने गठबंधन और जात की राजनीति करने लगी, तो इस तरह के जात की राजनीति और धर्म वो तस्वीर, की वो तस्वीर बिहार बिहार के लोग नहीं भूल पाएंगे, वो तस्वीर बाढ़ वाली कोई नहीं भूल पाएगा, जब आप बाढ़ में खुद उतरे थे और कोरोना में आप खुद उतरे थे, वो कोई नहीं भूल पाएगा कोरोना में। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सर एक सवाल ये भी था, ऐसे में इतना सेवा और इतना संघर्ष के बाद, इतनी मदद के बाद, जब लोगों को वोट के वक्त जात पात याद आ जाती है हिंदू मुसलमान, और न्याय सेवा मदद उसे उसके सामने कुछ बचता ही नहीं है, तो मुझे लगा कि चलो एक तरफ मैडम कांग्रेस में, मेरा बेटा बेटी कांग्रेस की आइडियोलॉजी और सोनिया जी के बहुत नजदीक, और फिर प्रियंका जी का एक मजबूत विश्वास, और राहुल जी का भाई की तरह हमेशा प्यार। सर एक थोड़ा सा पर्सनल भी सवाल हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप बहुत विभागीय से अपनी बात रखते हैं। सवाल ये था कि क्या मैडम के दबाव में कांग्रेस में विलय हुआ, क्योंकि वो कांग्रेस की सांसद भी हैं, उन्होंने कहा भाई यहाँ यही आ जाओ? देखिए मैडम के राजनीति किसी भी निर्णय में कभी पप्पू यादव आज तक इन्वॉल्व नहीं है, ना मेरे किसी राजनीतिक जीवन में मैडम इन्वॉल्व होती। हम लोग एक लक्ष्य है, एक रास्ते हैं, और वो बड़ी लीडर है कांग्रेस में 19 सालों से है, और मजबूत लीडरशिप के साथ वो आगे बढ़ती है। मैं उनकी सलाह को हमेशा मानता हूँ, और उनकी सलाह हमेशा एक ईमानदारी के साथ रहता है जी। अच्छा, पप्पू जी देखिए कई सीटों को लेकर पेच फंस गया है। लालू जी अभी भी दिल्ली में आए हुए, खबर है कि 5 सीट कांग्रेस देना चाहते हैं, उसमें औरंगाबाद पूर्णिया और मधेपुरा 3-4 ऐसी सीटें जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। तो क्या अभी जिस तरीके से विवाद चल रहा है, कहीं अलग अलग राहें तो नहीं हो जाएंगी? मैं एक बात कह देना चाहता हूँ जी, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। हर लोग सम्मान की बात करते हैं जी, बिना दूसरों को सम्मान दिए, दूसरों के विचारों की इज्जत किए, आपकी इज्जत नहीं हो सकती जी। आप जब तक दूसरों के धर्म को, दूसरों के घर को इज्जत नहीं देंगे, आपका रेस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और 6,000-4,000 किलोमीटर और एक ऐसा व्यक्ति जो बेबाक है, जिसको दुनिया देखना चाहती है, और वो PM नहीं, वो देश के स्वाभाविक PM के लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, वो एक दिल के छूने वाले फीलिंग्स जो है। पप्पू जी आज होलिका दहन है, आज होलिका दहन है, ये जो मतभेद है जो सीटों को लेकर थोड़ा तनातनी चल रही है, और अखिलेश जी आपके जो पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, उनको पता नहीं कि लालू जी ने जो है सिंबल देना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या आज माना जाए कि जो भी मतभेद हैं सब आज होलिका में दफन हो जाएंगे, जल जाएंगे, या फिर जिस तरीके से मनमुटाव है आपके दिल में भी मलाल है कि हमको पूर्णिया से चाहिए ही चाहिए? देखिए रंग जो है ना विचारों का होता है। हाँ। वो विचार बहुत ही, वो वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म संभव का है। हाँ। ये जो राजनीति है ना, ये कोई मठ के दुकानदारी नहीं है। हाँ। ये कंप्लीट रूप से एक परिपक्व समावेशी विचार के साथ जी। एक वैचारिक गठबंधन होता है जी। और मैं मानता हूँ राजनीति बहुत वैचारिक नहीं रह गई है, लेकिन हाँ।
कांग्रेस के एक आखिरी सवाल है, आपने बहुत समय दिया, एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा आपसे। अभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए, तमाम ऐसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप लोग भी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दबाव बन रहा है, आप भी जो है आपके ऊपर भी कई आरोप है, सीमांचल में आपका काफी प्रभाव भी है और बीजेपी दावा कर एक बार 40-40 जीतना है, क्या पप्पू यादव और उसके लक्ष्य में कुछ बाधा बनते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, दुनिया को बांटने वाला व्यक्ति इन लोगों की हैसियत क्या है भाई, पूरी जमीन जगह बेच के दुनिया को कोरोना में सब जगह पूरा किडनी देना। पप्पू यादव ईमानदारी के प्रतीक है और हम लोग बहुत बड़े जमींदार परिवार से आते हैं जी, आध्यात्मिक फैमिली है जी, और दुनिया में ना मरने का नाम है पप्पू यादव और पूरी देश के गरीबों के आंसू पोंछने का नाम है, जहां से सारे रास्ते बंद होते हैं पप्पू जी को ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता होता है। मैं एक उम्मीद हूं जिसके सारी उम्मीद खत्म कर दिए इन नेताओं ने, इन बीजेपी ने, वही एक पप्पू यादव एक छोटी उम्मीद है मुझे, जो आदमी पूरी दुनिया को बांटता हो डेली और हर आदमी को आंसू पूछता हो, वहाँ डर नाम की चीज होती है। डर किसको होता है? डर होता है जो भौतिक आशा आराम की जिंदगी जीता है, जो लूटता है, जो दूसरे को ठगता है। हाँ, जो भाई मैं कंप्लीट ह्यूमन हूँ। हाँ, और मेरी लड़ाई साफ है इस देश की जनता। ठीक है सर, आखिर सर अब समय नहीं है, होली है, होली पे अपने समर्थकों को देशवासियों से कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट कमेंट। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं देश की जनता को होली। हाँ, और रमजान की। हाँ, यही मेरी नैसर्गिक ताकत है वसुधैव कुटुंबकम का। हम दूसरों की जाति धर्म वर्ग और दूसरों के विचारों का सम्मान करें और हम जाति धर्म मजहब जैसी नफरत को खत्म करते हुए भारतीय संस्कृति और संविधान की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो देखिए पप्पू यादव जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर पूर्णिया से टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी